मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा, एक आध दिन चक्कर मार देना बेचारा बुढ़ा का, टाइम पास हो जाए, इधर पड़ा पड़ा क्या करेगा। स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। फ्रैक्चर है, 3 महीने लगा उसको, पोलियो भी है तो उसको प्लेट कर देंगे और बोन ग्राफ्टिंग। एक तो पिलोस प्लेटिंग करनी है, सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस बच्चा है उसको करना है, और एक जस्टिक से। हाँ सनी जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। मैं कह रहा हूँ एक ना पेशेंट आएगा, उसके ना अर्जेंट में करा दो सैंपल, ओटी में लेनी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये निकाला है फर्स्ट केस में जस्ट फिक्सेटर, अब सेकंड केस करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द सेकंड केस ऑफ द डे। पेशेंट इज 3-year-old मेल पेशेंट, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ फॉल इन मॉर्निंग। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब व्हेन यू सी अ 3-year-old किड इन पेन। और इस सिचुएशन में बोथ पेरेंट एंड पेशेंट बोथ आर इन पैनिक, सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड काम देम डाउन। We will be doing K-wire fixation for the supracondylar humerus fracture. थर्ड केस की प्रिपरेशन चल रही है। थर्ड केस इज 50-year फीमेल पेशेंट, शी हैज सफर्ड प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर एंड शी इज हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल। नाउ वी विल फिक्स दिस फ्रैक्चर विद के वायर एंड जस्ट फिक्सेटर। हेलो हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ पुराने जो एक्सरे वगैरह है ना, हाँ जी वो सारे ले आएंगे। ठीक है सर, और हमें साथ में आना पड़ेगा या फिर आप ऐसे ही कर दोगे? अरे आ जाने का, एक आध दिन चक्कर मार जाना, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा, एक आध दिन चक्कर मार जाना बेचारा बुढ़ा का, टाइम पास हो जाए, इधर पड़ा पड़ा क्या करेगा। मतलब ओटी के दिन एंड हो गए, मेरा पता नहीं, इमरजेंसी में कुछ आ जाए तो अलग बात है। अब एक इमरजेंसी टेटनिया केस आ रखा था, वो उसमें कुछ एक्टिव था, कुछ करना है ना। मैंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर दी है, उनको लगा कि ऑर्थो केस है, टांग टेढ़ी हो रखी है। फिर मैंने समझाया ऐसा नहीं है। फिर ये केस था, बाकी
तीन नौ केस कर दिए हैं प्रोक्सिमल ह्यूमरस में, एक्चुअली हमने फिक्सेटर लगा दिया था, ज्यादा कम्युनिकेट था नहीं, फिक्सेटर वुड बी बेटर, और वो पेशेंट भी थोड़ा सा ज्यादा ही वो प्लेटिंग के चक्कर में निकलवाने ना पड़े ये वो, तो मैंने सोचा कि फिक्सेटर वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर दैट पेशेंट।